सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ की न्यूज के बारे में। कंपनी का नाम है टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड। तो कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करने के लिए सेबी को डीआरएचपी सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि डीआरएचपी का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है, इसमें रखी जाती है और सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इस कंपनी ने डीआरएचपी सबमिट कर दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर कंपनी के प्रमोटर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और यहां पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू रहेगा वो ₹2 कुटी शेयर के हिसाब से रहेगा। अब देखिए, बात आती है कि कंपनी का इशू साइज कितना होगा, मतलब कितना बड़ा कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है। तो यहां पर देखिए, आईपीओ जो आएगा वो दोनों के जरिए आएगा, एक तो फ्रेश इशू के जरिए आएगा और एक ऑफर फॉर सेल, दोनों को मिलाकर आएगा। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो यहां पर करीब 1500 मिलियन अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो करीब 150 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाला है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद ऑफर फॉर सेल के जरिए काफ़ी सारे शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इनके एक प्रमोटर द्वारा 3,90,000 और यहाँ पर एक प्रमोटर द्वारा 3,10,000 इक्विटी शेयर बेचे जा रहे हैं। वहीं बात करें, यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इसकी पार्टनर है और ये बेच रही है करीब 1,25,00,000 शेयर, यानी कि यहाँ पर काफ़ी बड़े अमाउंट में ऑफर फॉर सेल के जरिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। और अगर बात करें फ्रेश इशू की तो वो यहाँ पर 150 करोड़ ही रहेगा, यानी कि जो 150 करोड़ रहेगा ये कंपनी के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। बाकी के शेयर बेचने से जो पैसा आएगा वो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं या प्रमोटर हैं, जो पुराने जो शेयर बेच रहे हैं, उनकी जेब में जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर डेट्स का कॉलम भी बना हुआ है, लेकिन डेट्स यहाँ पर तब तक नहीं आती जब तक सेबी इस आईपीओ को वेरीफाई नहीं कर देता। अब देखिए, बात आती है कि ये आईपीओ कब तक मार्केट में ओपन हो सकता है। तो देखिए, इन्होंने डीआरएचपी अभी सबमिट किया है, यानी कि मिड अगस्त में, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर यानी कि नवम्बर के आसपास ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी डीआरएचपी सबमिट किया जाता है तो वेरीफिकेशन में मिनिमम 2 से 3 महीने का वक्त लगता है और 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो सकता है, यानी कि दिवाली के समय यह आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है और आपको कमाने का मौका भी मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है, जो कि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, करीब 307 पेज का ये पीडीएफ है। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ दिया हुआ है। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक बार ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाए उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इसको अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, ये वीडियो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ कि भविष्य में कौन कौन से आईपीओज आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि आपको एक आइडिया रहे कि भाई ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है और आईपीओ सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है, कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्ट होने जा रही हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।